Welcome children. Today we'll discuss the topic translation. So this topic is from molecular basis of inheritance, which is chapter 6 of class 12th. So in this session we'll discuss about different types of RNA and their synchronous activity and how the tRNA is the adapter molecule. Then we'll discuss protein synthesis step by step. Okay, so before discussing this topic, we have already discussed optogenetic code, its properties and mutation. Okay, so at the end of this session, you will be able to define the process of translation. You will be enumerate the role of various enzymes involved in the process. You can conclude the result of translation. You can solve problems from this topic. Write the step of translation in proper sequence with explanation. And before going to today's discussion, we are well acquainted with the previous discoveries topic on genetic code, process of transcription and types of RNA. And besides that, we have already studied about the enzymes. So let us start our discussion. So children, I have already discussed about the central dogma. And of the central dogma, translation is a part. So what is translation? It is the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide in which amino acid sequence is dictated by the information copied on mRNA during transcription. बच्चों, हमने आपको जो सेंट्रल डॉगमा में बताया था कि डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन. सो डीएनए फॉर्म्स आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो ये ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो डीएनए का जो लैंग्वेज होता है, जो नाइट्रोजिनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उसका जो लैंग्वेज होते हैं दैट हैज़ बीन कॉपीड ऑन एमआरएनए. अभी जब ट्रांसलेशन होता है तो ये एमआरएनए में जो कोडेड लैंग्वेज है, वो कोडेड लैंग्वेज अभी एमिनो एसिड सीक्वेंस बनाता है और तभी आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो द ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड. ओके, बट ये पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए एमिनो एसिड का सीक्वेंस कैसे चुना जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ द कोडेड लैंग्वेज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए. तो इन सिंप्लीफाइड वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए. ओके, सिर्फ आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे फ्रॉम एमआरएनए, लिखना ज़रूरी है. तो ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इट इज़ सिंथेसाइजिंग और पॉलीमराइजिंग द एमिनो एसिड, हेंस योर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन इज फॉर्म्ड. नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोसेस? फर्स्ट वन इज एमआरएनए, नेक्स्ट टीआरएनए एंड आरआरएनए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट वी हैव नॉट मैंशनड इट सेपरेटली. हमने सेपरेटली यहाँ नहीं लिखा क्योंकि आर आर एन ए इज़ ए कम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का एक कम्पोनेंट है. सो उसके बाद द थर्ड रिक्वायरमेंट है राइबोसोम. ये जो राइबोसोम होता है बच्चों, ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में होता है. एंड प्रोकैरियोट में ये 70S होता है एंड यूकैरियोट में ये 80S होता है. और ये 70S क्या है, 80S क्या है, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो. मैं यहाँ आपको फिर से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज सेशन विल बी लेंदी हो जाएगा. उसके साथ हमको और क्या चाहिए, एमिनो एसिड पूल. जो हमारे 20 टाइप्स के एमिनो एसिड है, दीज एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सफिशियंट क्वांटिटी इन द साइटोप्लाज्म. क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड, जो 20 टाइप्स का एमिनो एसिड है, ये सारे एमिनो एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए.
उसके अलावा क्या है आपका एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स में बच्चों सबसे जो मेन एंजाइम है दैट इज़ एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। दे आर इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, देन रिलीजिंग फैक्टर एंड उसके साथ क्या है मैग्नीशियम आयन। तो ये रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, आप एमआरएनए के बारे में पढ़ चुके हो, एमआरएनए किस तरह सिंथेसिस होता है, एमआरएनए का स्ट्रक्चर एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एमआरएनए इज़ ए लीनियर चेन जिसमें कि कोडेड लैंग्वेज होते हैं, और जेनेटिक कोड में हम पढ़ चुके हैं कि कोडेड लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर और ये टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ये है टीआरएनए का डायग्राम, एंड यहाँ पर आप देखो बच्चों ये जो टीआरएनए है इसमें चार साइट है। ठीक है, सो इसको कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लीनियर चेन ऑफ टीआरएनए इज फोल्डेड अपन इटसेल्फ टू फॉर्म ए फोर आर्म्ड स्ट्रक्चर। इसमें चार आर्म है, तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो ये जो चार आर्म है, ये वाला आप देखिए सबसे पहला मैं दिखा रही हूँ, ये है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, सो ये टीआरएनए का, ये तो सिंगल एमआरएनए है तो इसका एक 5' एंड जरूर होगा और 3' एंड जरूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कि इस तरफ 5' एंड है और इस तरफ 3' एंड है। और टीआरएनए का काम क्या है, टू ट्रांसफर द एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ये कैरी करेगा और राइबोसोम में लेकर प्लेस करेगा, सो दैट एमिनो एसिड का चेन बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो टीआरएनए जब एमिनो एसिड को कैरी करेगा, कैसे कैरी करेगा, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को इसको चुनना है, तो इसका जो है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है उसी साइट में स्पेसिफिक एमिनो एसिड अटैच होता है। और वो कौन सा एंड में अटैच होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन, दिस इज 3' एंड। ये याद रखो बच्चों, 3' एंड में एमिनो एसिड अटैच होता है, कौन सा साइट का, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट का। ओके, सो अभी हम देखेंगे ये एमिनो एसिड, हमने तो बता दिया कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ये सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये कैसे स्पेसिफिक एमिनो एसिड को सिलेक्ट करेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यही एमिनो एसिड को अटैच करना है 3' एंड में, इसको ही कैरी करके ले जाना है। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट में और एक साइट है, दिस साइट इज़ एंटीकोडन साइट, दिस साइट इज़ एंटीकोडन साइट। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ तीन ऐसे डंडे खींचे गए हैं, ये जो डंडे दिखा रहा है ये है आपका एंटीकोडन। एंटीकोडन होता क्या है, देखो बच्चों सपोज से ये है एमआरएनए, ठीक है, तो एमआरएनए में आपका कोडन है, मान लो ए टी टी जी सी लाइक दिस, ऐसे कुछ है, टी तो नहीं होगा, आई एम सॉरी यू होगा। तो बच्चों यहाँ देखो हम आपको बता रहे हैं ये जो तीन कोडन है दे आर कॉम्प्लीमेंटरी, एंटीकोडन है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडन ऑफ द एमआरएनए। तो मान लो एमआरएनए में क्या है, ए यू जी, ठीक है, तो यहाँ ए यू जी है, मतलब ए यू जी कोड्स फॉर व्हिच एमिनो एसिड, मेथियोनिन, हम जानते हैं मेथियोनिन को ये कोड करता है। तो अगर एमआरएनए में ए यू जी है तो टीआरएनए में क्या होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंटरी यू, यू का कॉम्प्लीमेंटरी ए एंड जी का कॉम्प्लीमेंटरी सी होना चाहिए। तो अगर ये एंटीकोडन में यू ए सी होगा तभी यहाँ क्या अटैच होगा, मिथियोनिन अटैच होगा। उसी तरह आपका जो कोडन है उसका कॉम्प्लीमेंटरी होता है एंटीकोडन, और कोडन के हिसाब से एमिनो एसिड यहाँ अटैच होता है।
ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, बाकी जो दो साइट है बच्चों, ये सिर्फ आपका राइबोसोम में अटैच होने के लिए हेल्प करता है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइट होता है वो है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, जहाँ पर स्पेसिफिक एमिनो एसिड अटैच होता है एट द 3' एंड। और दूसरा है एंटीकोडन साइट, जहाँ पर आपका स्पेसिफिक एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड अटैच होगा, दैट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय दिस एंटीकोडन, एंड दिस एंटीकोडन इज़ कम्प्लीमेंटरी टू द कोडन ऑफ द mRNA। ठीक है, अभी हम देखते हैं बच्चों कि इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है। आप सब देखो, अभी तो स्मार्टफोन का दुनिया है, आप देखो मोबाइल जब चार्ज करते हो तो उसका जो चार्जर होता है आप उसको क्या बोलते हैं, एडाप्टर बोलते हैं ना। तो एडाप्टर में जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक एंड आप क्या करते हो, प्लग पॉइंट पे लगाते हो, और दूसरा एंड आप मोबाइल पे लगाते हो। ठीक है, तो अब देखो ये भी स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मोबाइल का सी टाइप ए टाइप ऐसे तो एडाप्टर होते हैं, आप ए टाइप सी टाइप में यूज़ नहीं कर सकते, सी टाइप ए टाइप में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिसिटी इज़ दैट। ठीक उसी तरह ये tRNA क्या करता है, ऐसे tRNA भी आपका क्या करता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि इसके एक एंड में ये mRNA के साथ अटैच रहता है और दूसरे एंड में एमिनो एसिड, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कैरी करता है, जस्ट लाइक योर मोबाइल एडाप्टर। ओके, इसीलिए इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ एडाप्टर मॉलिक्यूल। अभी देखो बच्चों, ये जो हमने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पर देखो किस तरह आपका टायरोसिन यहाँ पर अटैच हुआ है। तो ये टायरोसिन किस बेसिस पे अटैच हुआ, टायरोसिन का कोड क्या है, UAC, AUG नहीं है, AUG का क्या है, मिथियोनिन। तो आप सोच रहे होंगे कि एंटीकोडन जो है उसके हिसाब से यहाँ एमिनो एसिड अटैच होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये जो है आपका UAC कोड्स फॉर टायरोसिन, सो UAC का एंटीकोडन है AUG, तो जिस tRNA में AUG रहेगा वो एमिनो एसिड टायरोसिन को कैरी करेगा। ठीक है, इसी तरह ये इस डायग्राम में आप देखिए AGU कोड्स फॉर सेरीन। ओके, तो AGU का एंटीकोडन क्या है, UAC, तो जिस tRNA में UAC एंटीकोडन होगा वो सेरीन को कैरी करेगा। सो दिस इज हाउ द स्पेसिफिक एमिनो एसिड इज अटैच टू द 3' एंड ऑफ द tRNA corresponding to the antikodon site। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन का सबसे पहला स्टेप। देखो बच्चों, अभी ये tRNA ऐसे तो एमिनो एसिड को कैरी नहीं करेगा, ठीक है, उसको तो अभी देखिए एमिनो एसिड जब तक ऐसे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड घूम रहे हैं, बहुत सारे tRNA घूम रहे हैं, तो हर वक्त आपका tRNA के साथ एमिनो एसिड अटैच्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि एमिनो एसिड को चार्ज होना चाहिए। अब देखिए आपका मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल में करंट कैसे जाएगा, अनलेस आपका प्लग पॉइंट में करंट इज देयर। प्लग पॉइंट में जब तक करंट नहीं होगा तो वो चार्ज नहीं जाएगा मोबाइल में। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या किया जाता है, चार्जिंग ऑफ tRNA और फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसाइलेशन ऑफ और एमिनो एसाइल tRNA फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये चार्जिंग ऑफ tRNA क्या होता है। तो देखो बच्चों, सो बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टू 3' एंड ऑफ tRNA इज कॉल्ड चार्जिंग। अभी tRNA में आपका जो बाइंडिंग होता है एमिनो एसिड उसको कहा जाता है चार्जिंग, एंड इट इज़ अकम्प्लिश्ड इन 2-step प्रोसेस। ठीक है, इसका 2 स्टेप होता है। सो पहला स्टेप है बच्चों, और दोनों स्टेप के लिए एक ही एंजाइम होता है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो ये जो एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, यहाँ सीधा मैं इक्वेशन में जा रही हूँ, AA मतलब एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को
एटीपी प्रोवाइड करता है कौन, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इस एरो के ऊपर आप एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज लिखोगे, ओके। तो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एटीपी प्रोवाइड करता है एमिनो एसिड को। अभी एमिनो एसिड को एनर्जी चाहिए और एमिनो एसिड एक्टिवेट होता है, तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, एटीपी से आता है। आप जानते हो एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब तीन फॉस्फेट होते हैं। तो अभी उसमें से दो फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, यानी दो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होता है, और दैट एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर चार्जिंग द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड चार्ज हो जाता है, ओके। सो अभी ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड एक्टिवेटेड हो गया है और ये अटैच्ड है किसके साथ, एएमपी के साथ, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसमें से दो फॉस्फेट चला गया है, ठीक है। अभी ये एमिनो एसिड will be attached to the specific tRNA, okay। तो यहाँ second step में आप देखो बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, amino acid AMP plus tRNA, specific tRNA होगा, तो क्या होगा, tRNA will replace the AMP। अभी tRNA amino acid के साथ attach हो जाएगा और AMP release हो जाएगा, and now this tRNA is called charged। अभी tRNA charge हो गया and this structure is aminoacyl tRNA, so this is called aminoacylation of tRNA, okay। तो अभी हमारा जो पहला सबसे important requirement है, that is ready, that is aminoacyl tRNA is ready for translation। अभी हम देखेंगे ribosome का structure क्या होता है, दूसरा requirement है ribosome। अब देखो बच्चों, ये है राइबोसोम विच इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम में आप बच्चे देख सकते हैं इसका दो सब यूनिट है, चाहे ये यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, हमने यहाँ पर प्रोकैरियोट का दिया है, तो इसीलिए इसके जो राइबोसोम होता है 70S टाइप का होता है, और ये 70S का जो दो सब यूनिट होते हैं, एक है 50S दूसरा है 30S, ओके। 50S इज़ द लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30S, ओके। अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अभी देखो बच्चों, इसका जो लार्जर सब यूनिट है इसमें तीन साइट होते हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर में, एक रेड में, एक ब्राउन में और एक ब्लू कलर में आपको तीन साइट दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ब्लू कलर साइट का काम क्या है। इसका यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए लिखा हुआ है, सो दिस इज एमिनो एसाइल साइट, मतलब दिस इज द साइट थ्रू व्हिच द टीआरएनए कैरिंग द एमिनो एसिड एंटर्स इनटू द राइबोसोम। एमिनो टीआरएनए का काम हमने आपको बताया है टू ट्रांसफर द एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। तो टीआरएनए एमिनो एसिड को कैरी करके इसी साइट के थ्रू राइबोसोम में एंटर करता है, इसीलिए इसको एमिनो एसिड साइट कहा जाता है, क्लियर। अभी हम देखेंगे पी साइट क्या है। अभी देखो बच्चों, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये एमिनो एसाइल टीआरएनए यहाँ आएगा, फिर यहाँ नया वाला आएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एमिनो एसिड यहाँ आएगा, फिर दूसरा ये एमिनो एसिड जो पहला वाला इधर आ जाएगा, तो दूसरा यहाँ एंटर करेगा, फिर इसके बाद ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, तो इस तरह ये चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो बच्चों, जब यहाँ पर एक एमिनो एसिड टीआरएनए आ जाता है और यहाँ पर एक एमिनो एसिड टीआरएनए आ जाता है, तब यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से पेप्टाइड चेन बनता है, दैट्स व्हाई दिस साइट इज कॉल्ड पेप्टिडिल साइट, ओके। दिस इज कॉल्ड पेप्टिडिल साइट, दिस इज एमिनो एसिड साइट, दिस इज पेप्टिडिल साइट।
अभी जब पेप्टाइड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद आपका एमिनो एसिड एक एक करके रिलीज होगा, और वहाँ से जो टीआरएनए, मान लो ये टीआरएनए एमिनो एसिड को कैरी करके रखा था, ये सारे एमिनो एसिड है जो गोल में बना रही हूँ, गोला बना रही हूँ, वो एमिनो एसिड है, ये दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अभी क्या है, इसको रिलीज होना है, एक तरफ से रिलीज होना है, तो यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे रिलीज होता है, और जैसे ही ये एग्जिट साइट में आता है तो टीआरएनए इससे अलग हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एग्जिट साइट। सो ई फॉर एग्जिट साइट। एग्जिट क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिट होगा। पेप्टिडिल साइट, जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड साइट, जहाँ पर एमिनो एसिड एंटर करता है, जिसके थ्रू एमिनो एसिड एंटर करता है। तो यहाँ पर ये दूसरा पिक्चर आप देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखो टीआरएनए, ये जो है टीआरएनए, यहाँ पर आपका आ चुका है दो टीआरएनए, आप देखो यहाँ पर दो टीआरएनए, दो एमिनो एसिड में किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जिट साइट यहाँ पर होता है, तो एग्जिट साइट के थ्रू ये रिलीज हो रहा है, और जैसे जैसे ये रिलीज होता है तो टीआरएनए उससे सेपरेट हो जाता है, और ये टीआरएनए दूसरे एमिनो एसिड को कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर और राइबोसोम का काम। अभी हम देखेंगे एमआरएनए। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एमआरएनए का जो हिस्सा, यानी 5' एंड 3' एंड के बीच में जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, वही प्रोटीन बनाता है। तो कोडिंग सीक्वेंस में हमने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन कैसे होगा, अगर ए यू जी है, दैट विल बी इनिशिएशन कोडन। ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले ए यू जी होना चाहिए 5' एंड में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, और 3' एंड में स्टॉप कोडन होना चाहिए। स्टॉप कोडन क्या है, यू ए जी, यू ए ए, यू जी ए, ये तीनों में से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हर एक ट्रांसलेशनल यूनिट, इसको ट्रांसलेशन यूनिट कहा जाता है, जो एक प्रोटीन बनाता है, जो एमआरएनए का जो हिस्सा एक प्रोटीन बनाता है, उसको ट्रांसलेशनल यूनिट कहा जाता है। लेकिन इसका एक स्पेसिफिसिटी है, क्या क्या है बच्चों, द 5' एंड एंड 3' एंड, ये दोनों के दोनों, मतलब दे आर फ्लैंक्ड बाय द अनट्रांसलेटेड रीजन। इसका मतलब क्या है, बिफोर इनिशिएशन कोडन, इनिशिएशन कोडन से पहले, और स्टॉप कोडन के बाद क्या होता है, देर आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि आपका प्रोटीन नहीं बना सकता, और उसको कहा जाता है अनट्रांसलेशनल रीजन, अनट्रांसलेशन रीजन। ओके, सो दैट इज UTR। ये देखो किस तरह ट्रांसलेशन हो रहा है, दिस इज इनिशिएशन, हाँ ये रेस लगाने के लिए शुरू हो रहे हैं, देन इलोंगेशन, देखो आप ये रिले रेस हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है आप देख सकते हैं, एंड टर्मिनेशन, यहाँ आके ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह हम देखेंगे कैसे होता है ये प्रोसेस। ऑलरेडी हम एक स्टेप पढ़ चुके हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अभी हम जो रियल स्टेप्स है ट्रांसलेशन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है बच्चों इनिशिएशन, द इनिशिएशन फैक्टर बाइंड्स टू द स्मॉलर सब यूनिट। ये देखो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट में इनिशिएशन फैक्टर, यानी एक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर यहाँ बाइंड होता है। उसके बाद सबसे पहले एमआरएनए बाइंड होता है। ठीक है, सो एमआरएनए कहाँ बाइंड होता है, 30S, यानी स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड होता है एमआरएनए, और सबसे पहला कोडन क्या होता है, एयूजी, एयूजी इज द पहला कोडन। तो पहला कोडन कौन सा एमिनो एसिड को रिसीव करेगा, मिथियोनिन को रिसीव करेगा। अभी आपका क्या है, हमने आपको बताया था तीन साइट है, जैसे ए, दिस इज पी एंड दिस इज ई। तो बच्चों ये जो पहला एमिनो एसिड होता है मिथियोनाइन, मिथियोनाइन कैरी करने वाला टीआरएनए ए के थ्रू होते हुए पी में आ सकता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ डायग्राम फिर से। ओके, ए के थ्रू होते हुए पी में आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पी में
आ सकता है। तो यहाँ हमने आपको पिक्चर में दिखाया है कि डायरेक्ट ये पी में आ चुका है पी साइट में, दिस इज पी साइट, पी साइट में टीआरएनए डायरेक्ट आ चुका है, ये एक के थ्रू पी में आ जाता है। सो एनी हाउ द फर्स्ट एमिनो एसिड शुड बी प्लेस्ड इन द पी साइट सो दैट द ए साइट विल बी वैकेटेड, ए साइट खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है हमने बताया, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन, मतलब पहला एमिनो एसिड एंटर किया राइबोसोम में, ओके, और उसका पहला कोडन क्या है, AUG, पहला एमिनो एसिड क्या है, मिथियोनिन, ओके। अभी देखते हैं इलोंगेशन, आप यहाँ बच्चों देखो इलोंगेशन में क्या हो रहा है, अभी देखो पी साइट में हमारा क्या था, AUG था ना, अभी धीरे धीरे राइबोसोम एंड mRNA दोनों साइमल्टेनसली मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से आप देखो ये जो इनिशिएशन AUG था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और जैसे ही ये एग्जिट साइट में आता है तो इससे क्या होता है, tRNA अलग हो जाता है, एमिनो एसिड अलग हो जाता है। तो इसी तरह क्या हुआ, एमिनो एसिड यहाँ से अलग हो गया, tRNA अलग हो गया, लेकिन इससे पहले एमिनो एसिड जो है, अब देखो बच्चों पी साइट में एक tRNA एमिनो एसिड के साथ है और ए साइट में एक है, और ये दोनों में आप देख सकते हो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, आप देखो रेड कलर से दिखाया गया है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक एंजाइम के द्वारा होता है जिसको कहा जाता है पेप्टिडिल ट्रांसपरेज या 23SRRNA व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह काम करता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये जो है 23SRRNA, तो ये बॉन्ड बनाने के बाद फिर ये शिफ्ट होगा एग्जिट साइट में, और जो ए साइट में था वो पी साइट की तरफ खींचा हुआ चला आएगा, फिर ये खाली हो जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा एंटर करेगा। तो इसी तरह आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाता है और एग्जिट साइट से रिलीज होने लगता है, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलोंगेशन, ओके। तो ये कब तक चलता है, जब तक mRNA में स्टॉप कोडन ना आ जाए। तो इनिशिएशन कोडन में शुरू हुआ था, अभी स्टॉप कोडन जब आएगा तब इसको ख़त्म होना है। तो अब हम देखते हैं टर्मिनेशन कब होता है। देखो बच्चों ये टर्मिनेशन का प्रोसेस है, देखो ऐसे एमिनो एसिड करते करते ये क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है UAG इज ए स्टॉप कोडन, ठीक है। जब स्टॉप कोडन mRNA में आ जाता है तो उसके लिए कोई tRNA नहीं होता एंटीकोडन के साथ, और वो कोई एमिनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब स्टॉप कोडन आता है तब कोई tRNA एमिनो एसिड को कैरी नहीं करता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर, आपका जो तीन स्टॉप कोडन है, तीन स्टॉप कोडन के लिए तीन तरह के रिलीजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं UAG, सो UAG अगर आ गया तो रिलीजिंग फैक्टर वन विल कम, सो रिलीजिंग फैक्टर वन आकर आपका ए साइट में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये ए साइट में रिलीजिंग फैक्टर वन एंटर कर चुका है, तो अब जब ये एंटर कर गया तो क्या होगा, ये दोनों के बीच और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच बनेगा, एमिनो एसिड होगा तभी बनेगा ना, तो ये बॉन्ड रिलीजिंग फैक्टर के साथ नहीं बनेगा, तो अभी पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और ये एग्जिट साइट में चला जाएगा। एग्जिट साइट में जाने के बाद tRNA सेपरेट हो जाएगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, एंड जैसे ही ये टर्मिनेशन हो जाता है इमीडिएटली राइबोसोम का जो दो सब यूनिट थे वो भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द टर्मिनेशन टेक्स प्लेस। सो
बच्चों ये प्रोसेस समझ लोगे तो आप अच्छी तरह एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो। और ख़ास करके हमने जो बताया आपको कि किस एंड में अमीनो एसिड अटैच होता है, एंटीकोडन साइट क्या होता है, टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, और कितने तरह के टीआरएनए हो सकते हैं, कितने तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं, और ये जो तीन प्रोसेस हमने बताया इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, और उसके अलावा हमने जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बताया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह चार्जिंग होता है, बिकॉज चार्जिंग जब तक नहीं होगा ट्रांसलेशन शुरू नहीं हो सकता। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 23SRRNA ये एक आरएनए है बट ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, और इसका काम है टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ट्रांसलेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए। इट रिक्वायर्स ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, एमिनो एसिड, एंजाइम्स एंड सेवरल प्रोटीन फैक्टर्स। एमआरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए व्हिच इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। राइबोसोम एक्ट एज सेलुलर फैक्ट्री फॉर ट्रांसलेशन एज वेल एज catalyst in prokaryotes. The entire process consists of four stages, that is activation, initiation, elongation and termination. We have already discussed in details about this. अभी थोड़ा हम देख लेंगे बच्चों, आप ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है दैट इज़ फॉर इंस्टेंट असेसमेंट, आपने क्या सीखा ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। द आंसर इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन एमआरएनए, द एमआरएनए शुड बी देयर। क्योंकि आप अगर सिर्फ लिखोगे सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ए टीआरएनए कैरिंग मिथियोनिन विल हैव एज एंटीकोडन व्हाट। टीआरएनए जो कि मिथियोनिन को कैरी कर रहा है, मान लीजिए ये टीआरएनए है जो मिथियोनिन को कैरी कर रहा है, उसका एंटीकोडन क्या होगा। सो आप जानते हैं मिथियोनिन के लिए कोडन क्या है, AUG, ठीक है, तो एंटीकोडन क्या होगा बच्चों, UAC। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, UAC। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले मैं इसको हटा दूँ। अच्छा, व्हिच एंड ऑफ टीआरएनए कैरीज एमिनो एसिड। देखो हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, दिस इज 3' एंड And then next question is, what does P site and A site in the larger subunit of ribosome represents? A site is the amino acid site through which the tRNA carrying amino acid enters into the ribosome, and P site is the peptidyl site where the peptide bond is formed. Then next question is, state the four important steps of translation. Char step kya hai bachcho? आप जानते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, देन इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। और ये कुछ होम असाइनमेंट है, आप जस्ट देख लेना, आप ये चैप्टर वीडियो अच्छे से देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने होमवर्क कॉपी में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमिनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये प्रोसेस हमने आपको अच्छी तरह बता दिया है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ टीआरएनए एंड लेबल 5' एंड 3' एंड एंटीकोडन एंड एंड एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, हमने आपको बताया था ये दो साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये डायग्राम भी हम दे चुके हैं। व्हाट आर यूटीआरस एंड वेयर आर दे लोकेटेड। यूटीआर ऑन ट्रांसलेटेड रीजन्स व्हिच आर लोकेटेड बिफोर द इनिशिएशन कोडन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन। Then briefly explain the process of protein synthesis, जो charging से लेकर आपका पूरा termination तक यहाँ पर लिखना है। How the process of translation stops, जो last step हमने बताया termination का, वही step आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये topic ख़त्म होता है। Look for our next topic, regulation of gene expression, which is also equally important like translation. Okay, so thank you very much for watching this video, and I think it will be quite helpful to clarify all your concept regarding translation. Thank you very much.